टीम से कोई निकला नहीं है, टीम से निकाला गया है। आई एम रेडी विद द प्रूफ, व्हाटएवर हैज बीन टोल्ड टू यू इज अ लाई। So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders and here we back with another crazy video and this video पे आप लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है, तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिए। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा विलेज, जो कि हम 15 साल पहले गए थे, बहुत साल बाद आज हम जा रहे हैं। टेम्पो वेम्पो सब, बहुत सारा जो पुराना सामान था वो सब लेके अपना विलेज में रख लेके जा रहे हैं। जैसे कि टेम्पो एंड मेरा मम्मी पापा पहले ही निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अमर मुर्शिद। मेरा विलेज है बजबज में, नाश्ता करने वाले जिन बाजार में। पहले मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 28 किलोमीटर, एंड हम जो स्कूटी लिए है वो एक चार्ज में 107 किलोमीटर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बज रहा है सुबह का 8:30। सो गाइस, अगर आप लोग न्यू है चैनल में तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। एंड इंस्टाग्राम में जाके फॉलो भी कर लेना वाजिदिन टीवी फ्री स्टाइल। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखना, आप लोगों को सब कुछ, आप लोगों को जितना डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में। कौन सा ब्रिज हमको नहीं पता, अगर गाइस आप लोगों को पता है तो आप बोलिए। सही है, जंजीरा बाजार पहुंचने वाले हैं। Few moments later. तो गाइज हम लोग अभी खा के निकल चुके हैं, बहुत साल बाद आके ये वही सेम दुकान पे खाना। आई फील वेरी गुड। सब कोको कोला, माजा, लिमका, ये सब का फैक्ट्री सब यहीं पे है। संप्रीति फ्लाईओवर है ये। आप लोग को हम पूरा दिखाएंगे मेरा बचपन का गांव कैसा टाइप का है। आई डोंट नो कि पहले जैसे हम बचपन में देखे थे वैसा सेम टू सेम होगा कि नहीं, बट आई हैव हर्ड मेरा मम्मी पापा से जो वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हुआ है, पहले जैसा नहीं है। एंड वहाँ पे लोग जो है एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा फैंस है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मेरा मम्मी पापा से सुना है ना बहुत सारा चीज हम लोगों के बारे में, उसके बाद दे चेक आउट माई यूट्यूब चैनल, तो इसीलिए। इधर बहुत ज्यादा विंडी है, बहुत ही विंडी है। अरे बाप, इतना स्पीड चला रहा है भाई, जैसे आपको नजारा देखने को मिलता होगा, इतना खूबसूरत है। One eternity later. ब्रिज बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है, ब्रिज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कितना लोग देखो लेन चेंज करके चला रहा है, अन्यथा इधर बीच बीच में बैरियर भी लग दिया है, थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन होगा तो बस। सीन इज कम्प्लीटली क्रेजी गाइज, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। देखो कितना जन लेन चेंज करके चला रहा है, हल्का सा भी इधर उधर हो जाएगा। इधर गाड़ी कैसे ओवरटेक कर रहा है, देखो कितना जन ओवरटेक कर रहा है। देख कैसे ओवरटेक कर रहा है रॉन्ग लेन में। अब एक्सीडेंट्स नहीं होगा तो क्या होगा, पुलिस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, इसीलिए तो इतना एक्सीडेंट्स होता है सब जगह पे। हम लोग बजबज पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग को पुजाली पोल जाना है, अभी सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है। वाह वाह वाह, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ओह शिट, कहां से निकल रहा है भाई। इसको देख, अभी मरता फिर बोलेगा गाड़ी वाला का दोष है। ये सब जगह ना थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है। आई कैन फील इट दैट वी आर हियर बिकॉज आई रिमेम्बर, जो इतना दूर दिखाई दे रहा है आप लोग को दोनों चिमनी, आई रिमेम्बर दोस टू, वी आर अबाउट टू रीच एंड आप लोग को भी लोकेशन दिखा देंगे। ओ गाइस, यही है मेरा गांव। देखो ये हम लोग का बरामदा, अभी कितना छोटा लग रहा है, बचपन में कितना बड़ा लगता था, इतने छोटे थे ना तब। आप लोगों को अभी थोड़ा छत दिखाते हैं। यहाँ से पहले एक्चुअली बहुत सांप, आउल सब कुछ आता था यहाँ पे। यहाँ पे तो सर्किल विली जो होगा ना हैंड्रैक के साथ, तेरा इसको तो अपना हिसाब में है, पार्कोर मारेगा। ये जो पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, जितना भी ये पूरा एरिया है, ये पूरा एवरीथिंग, पूरा जगह एक्चुअली हम लोग का था। हम लोग का है अभी, अभी भी हम लोग का ही है, लेकिन होता है ना कि गांव में इधर नहीं रहने से अपना अपना सब जगह दखल कर लिया है। हम लोग का और भी बहुत सारा गांव, वहाँ पे जमीन है, वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया है, उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारा पेड़ हम लोग का है। वेरी गुड टू सी यू ओवर हियर। पूरा जगह हम लोग का था, बट अभी सब कोई जगह अपना बना लिया है। ये वाला घर भी पूरा हम लोग का था, ये भी अपना अपना सब घर उठा लिया। पीछे वाला नारियल पेड़ जो देख रहे हो वो जगह भी हम लोग का था पूरा। हम लोग का मोस्टली यहाँ पे काम नहीं होता है, हम लोग का सब कुछ सिटी में काम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आना बहुत कम होता है। फॉर दैट रीजन सब दखल कर लिया गया है, भी अपना मतलब फैमिली के अंदर ही पड़ता है, लोग सब अपने आप में रह के किया है। यही चीज आप लोग को हम अवेयर करना चाहते हैं कि जितना भी इंसान को अपना बना लो, जो सांप होता है वो सांप ही निकलता है। आप दिए Hey!
डरता है सामने भाई। सो गाइज अभी आते हैं मेन मुद्दा का बात पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी को बताना चाहते हैं, एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, दैट कोई भी ये टीम को छोड़ा नहीं है, टीम से निकाला गया है। आई वॉज सो बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ जाना वहां जाना, एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमको हल्का सा भी टाइम नहीं मिला ये चीज के बारे में अपडेट करने के लिए। सो रिसेंटली आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, अ लॉट ऑफ मैसेजेस, क्यों छोड़ा। एंड हम सिर्फ इमोशन से बात नहीं कर रहे, इमोशन के साथ मेरे पास प्रूफ भी है। आई हैव इट इन टेक्स्ट वॉइसेस, सब कुछ मेरे पास प्रूफ के हिसाब से रखा हुआ है। इसीलिए आपको पहले ही बता दे रहे, कोई टीम को छोड़ा नहीं है, टीम से निकाला गया है। एंड आई नो दैट यू गाइस हैव बीन सपोर्टिंग मी फॉर सो लॉन्ग, यू गाइस नो दैट आई विल नॉट लाई, ये डिसीजन बहुत अप्रोप्रिएट रीजंस के लिए लिया गया है। तो पीपल हु हैव बीन विद मी फॉर सो लॉन्ग, दे नो दैट आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टीम का नाम डुबाने से बचाने के लिए। पीपल जो लोग मेरे साथ इतना साल से काम किया है, दे नो हाउ आई वर्क एंड मेरा वर्क एथिक्स क्या है, मेरा डेडिकेशन लेवल क्या है। जो लोग सीनियर है, जो लोग जूनियर भी है, लोग सब चीज नोटिस करता है, सब चीज देखता है। आपको और एक बार बता दे रहे, टीम से कोई निकला नहीं है, टीम से निकाला गया है। हम इतना साल से जो स्पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं ना, एवरीबॉडी जो कंट्री में है ना, ये फील्ड में, एवरीबॉडी नोज व्हाट आई हैव डन फॉर दिस स्पोर्ट एंड नोबडी विल डिसएग्री विद मी, क्योंकि हम ये जो स्पोर्ट के लिए किए ना, ये चीज हमको पता है एंड वो ऑडियंस को पता है जो मेरे साथ शुरुआत से था। सो इसी रीजन के लिए ना, किसी का केयरलेसनेस, किसी का इरेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का कोड़ियापा के लिए हम ना टीम का नाम डुबाना नहीं चाह रहे थे। इसी रीजन के लिए हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा एंड ये रिसेंट का नहीं है, ये बहुत महीने से होते हुए आ रहा है। ये भी डिसीजन टीम का बेटरमेंट के लिए लिया गया है। तो जिस दिन टीम से निकाला गया था ना, उसी दिन हम लोग बोल दिए थे कि हम लोग YouTube में अपडेट करके बोल देंगे जो टीम से एक जन को निकाला गया है। बट पीपल ट्राई टू आउटस्मार्ट मी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, कि प्रूफ रहते हुए भी आप लोग को झूठ क्यों बोला गया। बिकॉज इफ आई प्रेजेंट यू विद द प्रूफ एंड ऑल एवरीथिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में, यू विल लूज रिस्पेक्ट फॉर द फॉर्मर टीम मेंबर। अभी आप लोग सोचते होंगे कि हम अभी प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे प्रूफ, बिकॉज आई एम मैच्योर इनफ टू नॉट ब्रिंग कॉन्फिडेंशियल मैटर इन सोशल मीडिया, वॉट एवर हैज बीन टोल्ड टू यू इज अ लाई। बहुत लोग इमोशन से बात करते हैं, हम भी इमोशन से बात कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि हम टीम छोड़ दिए, ये टॉक्सिसिटी के लिए छोड़ दिया, वो टॉक्सिसिटी के लिए छोड़ दिए, आस्क देम प्रूफ, तभी होगा बात, क्योंकि आई एम रेडी विद द प्रूफ। इतना साल से हम टीम चला रहे ना, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि एक टीम को चलाने के लिए इतना साल से क्या क्या करना पड़ता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल सैक्रिफाइसेस आई मेड ये टीम को इतना बड़ा पोजीशन में लेके आने के लिए। हम एक बार भी नहीं बोले कि सिर्फ हम मेहनत करके ये टीम को यहाँ पे पहुंचाए, टीम में मेहनत का परसेंटेज भी होता है, कौन कितना मेहनत करता है। अगर हम 80% मेहनत करेंगे एंड लोग 20% मेहनत करेगा, इट इज नॉट इक्वल, राइट? सो इसलिए ये डिसीजन वॉज मैंडेटरी। सो गाइज आप लोग ही खुद बताइए, अगर एफर्ट्स 50-50 नहीं हुआ देन कैसे टीम चलेगा। वी हैव टू वर्क इक्वली, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। बहुत साल कैरी किए, बहुत साल आई हैव स्पून फेड पीपल, आई कैनॉट डू दैट एनीमोर। एक टाइम के बाद बहुत भारी हो जाता है, इसीलिए उतार देना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज व्हेन दे आर नॉट एडवांसिंग इन देयर फील्ड और नॉट वर्किंग इक्वली। एंड गाइस हमको एक चीज एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है, एक इंसान का जो इतना अच्छा पब्लिक फैंस एंड फॉलोअर्स है, वो उसको इतना मिसलीड एंड मिसगाइड कैसे कर सकता है। बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम तो आज तक कभी झूठ नहीं बोले, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मिसगाइडिंग देयर फैंस एंड फॉलोअर्स फॉर सिंपथी। कि हम अपना बातों को ना बैकअप कर सकते हैं विटनेसेस, एविडेंसेस एंड प्रूफ्स के साथ। देखो गाइस, अगर हमको सिंपथी गेन करना होता ना, हम बहुत पहले सिंपथी गेन कर लेते आप लोगों को मिसलीड करके, बट वैसा काम हम नहीं करते। आई वॉज बाउंड ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम देखे कि बहुत लोग मिस इन्फॉर्म्ड हुआ है, बहुत लोग मिसलीड हुआ है, बहुत लोग मिसगाइडेड हुआ है एंड ये वीडियो से हम सिंपथी नहीं चाहते आप लोगों से। ये बात सच है एंड ये सच आप लोगों को सामने रखना मेरा हक होता है। हम आप लोगों को ना बहुत सारा चीज डिटेल में बोल सकते हैं, बट आई चूज नॉट टू, बिकॉज ये चीज ना कॉन्फिडेंशियल था। आई एम मैच्योर इनफ टू नो कि टीम का चीज है, प्रोफेशनल चीज है, ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल होता है एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे। बट अगर ये मैटर एस्केलेट होता है, अगर ये मैटर और आगे जाता है, आई विल ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मेरे दादाजी का यहाँ पे मतलब कब्र यहाँ पे है, ये हम लोग का मस्जिद है, ये हम लोग का तालाब, ये हम लोग का नारियल पेड़ है एंड वहाँ पे एक तालाब भी हम लोग का, वो वाला मदरसा, वहाँ पे क्लब। दे आई होप यू गाइस अंकल चाचा आस्ते बीच में चल रहा है भाई, कोई सेंस इस बात की? सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड माई पर्सपेक्टिव। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत है। ये चीज़ का फायदा लोग लेते हैं एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड। इतना याद रखना, एम्प्टी वेसल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज। हम लोग का टीम के बीच में जो हुआ है, ये सब चीज हम लोग का कोई भी कंटेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। सो गाइज आप लोग बताइए कमेंट्स पे जाके कि मेरा गाँव कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरा ये पर्सपेक्टिव का ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। वाओ हुगली ब्रिज, वाओ ये खुलने वाला ब्रिज है ना। रोड इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जो हम पहले यहाँ पे आए हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच। आई होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड आई विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पीस एंड आउट।